ये प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल शाम से जिस प्रकार से इस देश में एक डिबेट चल रहा है, खास करके कि क्या अर्बन नक्सलिज्म एक महत्वपूर्ण विषय है या नहीं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये उचित है कि नहीं, और विशेषतः राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि एनजीओ क्या इस देश में एक ही है और उस एनजीओ का नाम आरएसएस है और बाकी एनजीओ उनका क्या होगा। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि राहुल गांधी जी नक्सलिज्म को एनजीओ मानते हैं। मिस्टर गांधी कंसिडर्स नक्सलिज्म एज अ एनजीओ। आई बिलीव वी रियली नीड टू एनलाइटन मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में सर्वोपरि कुछ है, सर्वोच्च कुछ है तो देश का संविधान है। लोकतंत्र में संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। किस प्रकार से संविधान को बचाया जाए, संविधान पर अगर कोई खतरा आता है तो उस खतरे को किस प्रकार मंडराने नहीं दिया जाए, देश के एकता और अखंडता पर, यही संविधान का मूल नीति है, यही संविधान की मूल ध्येय है। इसी संविधान के ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डिसेंट नॉट डिसइंटीग्रेशन। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिसेंट। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ डिसेंट एंड वी स्टैंड बाय डिसेंट, बट नॉट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द लैंड, नॉट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मदरलैंड। भारत के टुकड़े हो, इसके लिए हम खड़े नहीं हैं। मनभेद हो, ये चलेगा। देखिए, सर्वप्रथम 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट इंटरनल थ्रेट टू इंडिया। मैं वो अखबार की कटिंग भी आपको दिखा रहा हूं, मनमोहन जी की फोटो भी देखिए। ये देश के उस समय के प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था देश को अगर सबसे बड़ा खतरा कहीं से है तो वो नक्सलिज्म और नक्सलवाद से है। आज दुख का विषय है कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपने ही पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इस बात से सहमत नहीं है। आज राहुल गांधी जी नक्सलियों को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानते हैं। जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं, क्या वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं? ये आप सबको सोचना है। लेफ्ट विंग टेररिस्ट्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, इन दोनों के बीच में फर्क करना राहुल जी को शायद आता नहीं है। मगर राहुल जी और उनकी पार्टी ने जो एक एफिडेविट सबमिट किया था जब यूपीए सरकार में थी, वो एफिडेविट भी हम आपके सामने लेकर आए हैं, और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो 2013 में लोकसभा के पटल में उन्हीं के मंत्री आरपीएन सिंह जी ने रखा था बतौर एमओएस होम, वह भी हम आपके सामने लेके आए हैं। जो एफिडेविट थी, उस एफिडेविट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था। तब की कांग्रेस पार्टी ने, द एक्टिविस्ट्स एंड द सिंपथाइजर्स ऑफ माओइस्ट्स आर मेकिंग रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू पेनिट्रेट इनटू अर्बन एरियाज एंड आर सक्सीडिंग। ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग अंडर द गार्ब ऑफ ह्यूमन राइट एनजीओज। कि ये जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओज के रूप में काम कर रही है। ये उस समय की कांग्रेस पार्टी कह रही थी, और आज राहुल गांधी इनके बचाव में खड़े हैं। One of the strategies adopted by Maoists is to mobilize certain targeted section of the urban population through its mass organizations, which are otherwise known as front organizations. Front organization होता है इन नक्सलवादियों का, और इन front organization के माध्यम से एक mobilization शहरी इलाके में भी शुरू करते हैं ये नक्सली। ये उस समय की कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो राहुल गांधी मानते नहीं है। Such organizations pursue human rights related issues and are also adept at using legal processes to their benefit. किस प्रकार से legal पेचीदगियां जो हैं, judicial पेचीदगियां जो हैं, उनसे कैसे निकला जाए, इस विषय में भी इन नक्सलियों को बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ पता है, इससे बहुत संभल के लड़ना है। ये उस समय की कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल जी आज मान नहीं रहे हैं। In fact, it is these ideologues who have kept the Maoist government alive and are in many ways more dangerous
than the cadres of the People's Liberation Guerrilla Army. राहुल जी की उस समय की पार्टी और उस समय की सरकार कह रही थी कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो शहर में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बसे हुए हैं, ये ज्यादा खतरनाक है उन लोगों से जो जंगल में गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, और आज उनको वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बता रहे हैं, मानव अधिकार के पुरोधा बताया जा रहा है आज इन लोगों को। बंधुओं, आगे कहते हैं राहुल जी की उस समय की पार्टी, आप सुनिएगा ध्यान से, लीगल एक्शन अगेंस्ट दीज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी इनिशिएटेड। ये जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और जब आज हो रहा है तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो उनका नाम है राहुल गांधी। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि द कांग्रेस पार्टी हैज रीच्ड अ न्यू लो। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही समाप्त कर रही है। कहा तो एक जमाने में कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होया करती थी, और आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ इनटू अ फ्रिंज आउटफिट। आज एक फ्रिंज आउटफिट बन गई है, मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं रही है, और टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो भारत को तोड़ना चाहती है, उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो नक्सली है, उनके सहायता में कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई है। मिस्टर राहुल गांधी, आई वॉन्ट टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू, द बीजेपी वॉन्ट्स टू आस्क यू, नक्सल्स आर नक्सल्स वेन यू अरेस्ट देम, बट दे आर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वेन वी अरेस्ट देम। जब नक्सलियों को आप गिरफ्तार करते हैं, जब आपके समय में, मैं पूरी फहरिस्त दूंगा, जब नक्सलियों को आप गिरफ्तार करते हैं तब वो नक्सली हैं, और जब नक्सलियों को हम गिरफ्तार करते हैं तो वो लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन पांचों लोगों के इतिहास को हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहला व्यक्ति है वारावारा राव। वारावारा राव जी, उनका एक इतिहास रहा है। वारावारा राव जी को जेल हुआ था 2 वर्षों के लिए 80 के दशक में, और चार्जेस क्या लगाए गए थे? चार्जेस लगाए गए थे वेजिंग अ वॉर एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 2 वर्षों के लिए जेल हुई थी 80 के दशक में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। अब उन्हें अरेस्ट किया गया था 1975-1986 में, और 1986 में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो रामनगर कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ था, और उन्हें भेजा गया था जेल में। 19 अगस्त 2005 में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, और उन्हें भेजा गया था चंचलगुड़ा सेंट्रल प्रिजन में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह जो गिरफ्तारियां हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ना तो केंद्र में थी और न राज्य में थी। और मैं उनके इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपको बताना चाहूंगा, वारावारा राव जी का, जिनका इंटरव्यू रेडिफ में छपा था 1997 में। आई कोट, यू कैंट फाइट इट विदाउट टेकिंग आर्म्स इन योर हैंड। आपको अगर लड़ना है तो अपने हाथ में आर्म्स अर्थात वेपन्स लेके लड़ना पड़ेगा। वी अचीव मोर बाय आवर बॉयकॉट इलेक्शन स्लोगन्स। यू कैंट एक्सपोज पार्लियामेंटेरियनिज्म बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। हिंदुस्तान में किसी चीज की आवश्यकता है तो पार्लियामेंट सिस्टम को समाप्त कर देने की आवश्यकता है, और यह जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को खत्म कर देना है, और उसके लिए हाथ में आर्म ले लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि दंडकारण्य में हम गुरिल्ला वॉर जोन्स बना रहे हैं, जहां एक प्लैटून खड़ा किया जाएगा, 200 रेड गार्ड्स, हर प्लैटून में 200 रेड गार्ड रहेंगे, और यह हिंदुस्तान में चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। यह सब उनके इंटरव्यू में कहा गया है, और यह राहुल जी के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आप बताइए, ये जो उन्हीं के समय गिरफ्तार हो चुके थे। दूसरे व्यक्ति का नाम है वर्मोन गोंजाल्विस। मैं एक पेपर कटिंग लेके आया हूं, एक नेशनल न्यूज़पेपर का है, और ये पेपर कटिंग का डेट है जून 27, 2013। नक्सलाइट वर्मोन रिलीज्ड फ्रॉम सेंट्रल जेल। 2013 में हमारी सरकार नहीं थी। 6 साल जेल में रहने के बाद 2007 में गिरफ्तारी हुई थी। 2007 में राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। गिरफ्तारी के बाद 13
भी छूटे, अर्थात 6 वर्षों तक, 2013 तक वो जेल में रहे। और जब छुटके आए थे तो ये अखबारों ने कैरी किया था कि वो नक्सलाइट आज छुटके आया है। वो एक्स मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी एंड अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट राज्यसभा कमिटी ऑफ नक्सलाइट्स रह चुके हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था उस समय। महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें अगस्त 19, 2007 में गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था? क्योंकि उनके पास एक्सप्लोजिव्स थे। और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने क्या रिपोर्ट दिया था? वो हमारी सरकार नहीं थी, वो सरकार यूपीए की थी। 9 डेटोनेटर्स इस व्यक्ति के पास से, 9 डेटोनेटर्स, 20 जेलाटिन स्टिक, अ वॉकी टॉकी सेट, अ कंप्यूटर, नक्सल लिटरेचर, ये सब मिले थे। अब डेटोनेटर रख के, जेलाटिन रख के, ये कितने बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको राहुल गांधी जी की सरकार ने 2007 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों तक जेल में रखा था। ही वॉज कन्विक्टेड इन जून 2013। कन्विक्टेड का अर्थ होता है, का माने होता है कि उन्हें दंडित किया गया, दोषी करार दिया गया। 2013 में उन्हें दोषी करार दिया गया, और चूंकि उस समय तक वो जेल में पूरा समय रह चुके थे इसलिए वो जेल से बाहर निकले, 7 से केस चल रहा था। और किस लिए दंडित किया गया? अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। उसके बावजूद इनको परेशानी है। गौतम नवलखा, राहुल जी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम नवलखा को जब उन्हीं की सरकार 2011 में थी, तो गौतम नवलखा जब कश्मीर में उतरे थे तो श्रीनगर से उनको वापस भेज दिया गया था कि आप वापस जाइए, लिखित रूप में। उस समय इन्हीं की सरकार थी, फारूक जी के साथ, एमसी के साथ कांग्रेस की सरकार थी। और लिखित में वहां के सरकार ने दिया था कि हम इनको घुसने नहीं देंगे क्योंकि ये कश्मीर को जलाना चाहते हैं। उस समय का भी अखबार लेके आया हूं। और फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, व्हाट डज दैट राइटर वांट, ये लेखक क्या चाहता है? टू बर्न कश्मीर, कश्मीर को जलाना चाहता है। लेट देम बर्न सम अदर प्लेस इन इंडिया, जाके कहीं और जलाए, कश्मीर को ना जलाए। उस समय जला रहे थे, कश्मीर को तोड़ रहे थे, और आज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन गए। वाह रे राहुल गांधी, कुछ तैयारी करके राहुल गांधी बोलते नहीं। गौतम नवलखा, ये सैयद गुलाम नबी फाई जो है, जो सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करता है और जो एस्पियोनाज में अमेरिका में गिरफ्तार भी हुआ, जो पाकिस्तान का समर्थक है और जो सेमिनार करता है, उनके सेमिनार में जाके इंडिया के लिए कहते हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, और कहते हैं कि अगर रेफरेंडम सक्सेसफुल नहीं होगा तो आर्म्ड स्ट्रगल करके कश्मीर को वहां के लोग छीन लेंगे। आई नो फाई, आई हैव एंजॉयड हिज हॉस्पिटैलिटी एंड माई कन्वर्सेशन विथ हिम, वॉट एवर द नेचर ऑफ फंडिंग मे बी, इन माई आईज हिज कन्विक्शन एज कश्मीरी रिमेन्स इंपेकेबल। ये गौतम नौलखा कहते हैं। बंधुओं, ये बहुत कम में हमने आपके समक्ष उन तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिसको कांग्रेस अपना पुरोधा मानती है, और कांग्रेस के ही जुबानी कांग्रेस ने इनके साथ क्या किया था जब ये लोग गिरफ्तार हुए थे, हमने आपके सामने रखा है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको दिखाने वाला हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चंस का उत्तर, अगस्त 6, 2013 को श्री आरपीएन सिंह जी, उस समय के एमओएस होम, देते हैं। और एक शब्द मैं उसके पेज नंबर 2 से पढ़ रहा हूं, एक वाक्य, द सीपीआई माओइस्ट ऑलवेज टारगेट एंड किल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज वेन एवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। खुद उस समय कांग्रेस की सरकार लोकसभा में कह रही है कि ये जो सीपीआईएम माओइस्ट हैं, इनको अगर मौका मिले तो ये जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, उनको मार देते हैं। 2 चिट्ठियां हमने देखी है किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के ऊपर एसैसिनेशन करने के विषय में इन चिट्ठियों में बात हुई। राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ है उस विषय को दोबारा करने की बात हुई है। 8 करोड़ रुपए की बात हुई है, 4 लाख फायरिंग राउंड्स की बात हुई है, राइफल्स की बात हुई है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपने अच्छे कामों के कारण आगे बढ़ रही है, तो किसी भी प्रकार से इस मोदी सरकार को रोकना है, यही उनका ध्येय था। आप बताइए, प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, क्या राहुल गांधी जी को इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है? जब प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की बात होती है, राहुल गांधी जी वहां आके राजनीति करते हैं, विदेश में जाके आईएस
विदेश में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड की बात और भारत में आके नक्सलियों को बचाने की बात और यहां आरएसएस को खींच के लाने की जुर्रत करते हैं? राहुल जी, यू शुड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। मुझे लगता है देश को यह जानना होगा कि मोदी जी को अपोज करते करते कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी जी आतंकवाद और नक्सलवाद उनका बचाव करने लगे हैं। लोकतंत्र है, जरूर सरकार पे आप हमला बोल सकते हैं, आप डिसेंट कर सकते हैं, मगर राहुल जी उन ताकतों के साथ खड़ा होना जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश का डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं, दोज हु वॉन्ट टू बैल्कनाइज इंडिया, इज दिस द आइडिया ऑफ इंडिया दैट कांग्रेस कैरीज? यही आई एम कांग्रेस, आई एम लव, यही लव आपका है? लव फॉर टेररिज्म एंड हेट फॉर योर ओन प्राइम मिनिस्टर एंड योर ओन कंट्री, हेट फॉर योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका उत्तर राहुल जी दे। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण विषय आज आया है और वो विषय डीमोनेटाइजेशन का है। जिस प्रकार से आरबीआई की रिपोर्ट आई है और जिस प्रकार से उस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किया है, हमें लगता है कि एक जवाब उनको देना चाहिए। इस देश में इतने वर्षों तक ब्लैक मनी के रूप में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती रही और प्रधानमंत्री से लेकर देश के हर काउंसलर तक इस विषय को लेकर वो अवगत थे कि एक पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी के रूप में चलता है। There was no one in the political system of the country who did not know that a parallel economy was running as black money. The country for the first time saw a prime minister as Mr. Narendra Modi who could head on take on black money. जिन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए ना केवल संकल्प लिया मगर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जहां कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी SIT का गठन नहीं किया, वहीं मोदी सरकार ने 2.5 दिनों के अंदर SIT का गठन किया। आज जो ये बताया जा रहा है कि सारा पैसा तो वापस आ गया, फिर फायदा क्या हुआ? बंधुओं, सरकार ने बिल्कुल Day 1 से ही एक बात स्पष्ट रूप से कहा था। सरकार ने कहा था कि अगर सारा पैसा वापस आता है, जो कि हमारा उद्देश्य है, ब्लैक मनी शुड इनफैक्ट कम बैक टू द सिस्टम सो दैट इट फाइंड्स एन एड्रेस। क्या उद्देश्य होता है ब्लैक मनी? क्या होता है? जिस पैसे पे कर नहीं दिया जाता है, द मनी विच डज नॉट पे एनी टैक्स, द मनी विच हैज नॉट बीन टैक्स, द मनी विच डज नॉट कैरी एन एड्रेस विथ इटसेल्फ, दैट इज ब्लैक मनी। जिस पैसे के साथ एड्रेस का टैग जुड़ जाता है वो ब्लैक मनी नहीं रहता है। जब ये बैंक में पैसा आता है और सिस्टम में सर्कुलेट होने लगता है तो बाध्यतम इस पैसे के साथ एक एड्रेस टैग जुड़ जाता है। And when the address tag is attached to the money, the people who are non-filers of income tax previously, they are left with no option but to pay for what they have earned. बंधुआ, आपने देखा कि 18 लाख accounts उस समय scrutiny के अंडर में आई, उसके ऊपर नजर गई कि इन 18 लाख account में से कितना पैसा काला है और क्यों है। जो पैसा, द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट फाउंड इट्स वे टू द सिस्टम इनफैक्ट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू डिसेक्ट इन डिटेल एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द लेजिटिमेसी ऑफ ईच करेंसी। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अ कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट 3.04 लाख पर्संस who were non-filers of income tax returns but had deposited large value of cash during demonetization period. As a result, returns were filed by 2.09 lakh of such identified non-filers. लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों ने इनकम टैक्स देना चालू किया। और बड़ी बात हुई कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में नेट कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज्ड बाय 18% at a record of 10.03 lakh crore. The collections of financial year 2016-17 were also 14.5% higher than the collection for 2015-16. Lagbhag 3 lakh se adhik shell companies, inka pata chala, wo band huye, 50,000 aur abhi pipeline mein hai. Currency in circulation. The RBI annual report, while mentioning the increase in currency in circulation,
had also stated that while the CIC, that is currency in circulation, as on March 31st, 2018, was around 101.8% of its pre-demonetization level, this is in fact around 88% of its underlying three-year trend had there been no demonetization. अपने आप में ये दिखाता है कि इससे एक बहुत बड़ा इजाफा डिजिटल पेमेंट्स में हुआ है और ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ओर एक बड़ा कदम है. देखिए, फाइट अगेंस्ट करप्शन, फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज नॉट अ ऑल और नन फिनोमेना कि आज शुरू हुआ और कल खत्म हो जाएगा. या तो लड़िए या तो नहीं लड़िए, बिल्कुल पुरजोर तरीके से लड़ना है. एंड इट इज अ ऑनगोइंग फिनोमेना. And we would like to congratulate the Modi government that because of the various steps that he had taken, not only the Indian economy is largely formalized, but some of the biggest world organizations like the IMF in the recent reports have categorically said that India, because of the reform, perform, transform policy of Modi government, would be a leading growth global engine for the next 30 years to come. Thank you, friends. Any question? जी सर, देखिए पहले प्रश्न का उत्तर कोर्ट की टिप्पणी के विषय में, द लीगल प्रोसेस इज ऑन. जो कोर्ट का प्रोसेस है वो ऑन है. जब तक इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार शहरों में भी नक्सलवाद अपना सर उठा रही है और जिस प्रकार राहुल गांधी झूठ की राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना. और हमें लगता है हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि उनके समय गिरफ्तारी करे तो ठीक, हमारे समय गिरफ्तारी करे तो इमरजेंसी लग जाती है देश में. और जहां तक आपका नोटबंदी के विषय में सवाल है, देखिए आपने नक्सलिज्म और टेररिज्म के विषय में हमसे सवाल पूछा. आप याद करिए, नोटबंदी के बाद दो बड़ी चीजें हुई. एक तो नक्सल्स थे, सबसे बड़े तादाद में नक्सलियों का अगर आत्मसमर्पण किसी पीरियड में हुआ है तो नोटबंदी के बाद जो काल रहा, कालखंड रहा, दैट वॉज द टाइम पीरियड व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ नक्सलाइट्स हैव सरेंडर्ड. और आतंकवाद को भी हमने देखा कि एक रिपोर्ट भी आया था कि किस प्रकार काउंटरफीट करेंसी में बहुत बड़ी कमी आने के कारण जो हवाला रैकेटियर्स थे, न केवल कश्मीर के आतंकवाद में अपितु पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा हवाला रैकेटियर जो कि काउंटरफीट करेंसी में इन्वॉल्व रहता था, उसने सुइसाइड तक किया था. उस समय ये रिपोर्ट सारी आई थी. तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें हुई थी. बट आई स्टिल रिपीट दैट एज फार एज फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी, करप्शन, terrorism and nationalism is concerned, it is always an ongoing process. The intent shows the light. Jis prakar se ye sarkar lagatar lad rahi hai, avashya har kadam mein safalta iski kadam chum rahi hai. Dhanyawad.